यीशु भगवान स्वयं। इस वाक्य को हम सबने सुना है और इसका अर्थ भी हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। परंतु भगवान क्या है, भगवान कौन है और कैसे बना है ये शब्द हम जब भी कोई प्रार्थना या स्तुति करते हैं तो ईश्वर को संबोधित करते हुए हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि आखिर वास्तव में भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। विष्णु पुराण में महामुनि पराशर ने इस रहस्य का खुलासा किया है। विष्णु पुराण में लिखा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यो च एव शश्रापग इतीरणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, शक्ति, यश, श्री, ज्ञान और इसी के साथ परिपूर्ण वैराग्य के समुच्चय को भग कहा जाता है। और जो इन छह गुणों को धारण करता है और ये छह गुण जिसमें हमेशा निवास करते हैं उन्हें कहते हैं भगवान। इसी के साथ साथ भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के छह ऐश्वर्य बताए जाते हैं, जिनमें की शक्ति, प्रसिद्धि, ज्ञान, धन, सौंदर्य और त्याग का समावेश होता है। अब श्री कृष्ण को ही देखे तो बाल्यावस्था में मायावी राक्षसों का वध करना, मल्ल युद्ध करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेना उनके शक्ति का परिचय कराता है। प्रसिद्धि की बात करें तो श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान के स्वरूप में प्रसिद्ध है कि उन्हें हम जिस प्रकार से ढालना चाहते हैं वे उसी प्रकार से ढल जाते हैं। उनका संबंध उनके भक्तों के साथ केवल भक्त और भगवान के संबंध तक सीमित नहीं, कोई उन्हें अपना गुरु मानता है, कोई मित्र मानता है तो कोई पुत्र मानता है। श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप में श्री कृष्ण ने इस संसार को सर्वोच्च और सर्वोत्तम ज्ञान दिया है। वे सोने की द्वारिका के स्वामी और भक्त धन से संपूर्ण थे। सौंदर्य में श्री कृष्ण की तुलना किसी से नहीं हो सकती। त्याग तो उन्होंने जीवन पर्यंत किया है। इसी कारण से ईश्वर या फिर भगवान के संपूर्ण लक्षण और ऐश्वर्य इन सब का समन्वय श्री कृष्ण में सब प्रकार से दिखाई देता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणाम। श्लोक ब्रह्म संहिता से लिया गया है। ब्रह्म संहिता एक संस्कृत पंचरात्र ग्रंथ है जिसमें की सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है तथा सच्चिदानंद है। गोलोक पते श्री कृष्ण का विग्रह सदा ही आनंद प्रदान करने वाला है। केवल वे ही आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। आज के इस वीडियो में हमने विष्णु पुराण के आधार पर भगवान कौन है, भगवान के छह ऐश्वर्य क्या है और किस प्रकार से श्री कृष्ण इसका सर्वोत्तम उदाहरण है इसके विषय में जानकारी दी। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोजन को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।